हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं एडवोकेट प्रदीप दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत पर। मेरे भाई, जो मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूँ उसको सुन करके आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि आने वाले थोड़े से समय में आपको एक नई भर्ती दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। जी हाँ मेरे दोस्त, जो कि आपकी है दिल्ली पुलिस जेल वार्डन, यानी कि जेल में जो भी कैदी होते हैं उनकी जो भी प्रक्रिया है उसको देखने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं जेल वार्डन। जैसे हॉस्टल होता है उसमें एक केयरटेकर होता है जो देखता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, वो सारी जो नज़र रखता है उन पे। उसी प्रकार जेल में भी एक वार्डन होता है जिसको हम बोलते हैं जेल वार्डन। तो मेरे भाई, इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या फिजिकल है, क्या कुछ रहने वाला है, सारा हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो आइए बिना टाइम को खराब किए हम पूरी जानकारी को एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं उसमें कुल पद टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, जो आगे आपको अक्टूबर के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो चर्चा है वो 3247 पदों पर इसका भर्ती करवाई जानी है, जिसकी उम्र सीमा, जिसकी एज लिमिट आपकी रहने वाली है 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष। मेरे भाई, 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच में वो अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। यहाँ पर अगर बात करें उम्र सीमा में छूट की, तो यहाँ पर मेरे भाई सरकार ने जो भी नियम बनाए हुए हैं जिसके अनुसार एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो यहाँ पर भी वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 वर्ष के साथ 32 अंतिम अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष हो जाएगी आपकी एससी और एसटी कैटेगरी की, और 30 वर्ष हो जाएगी ओबीसी वाले विद्यार्थियों की। और बात करें कि जो एक्स सर्विसमैन है और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, उनको भी यहाँ पर उम्र सीमा में छूट मिलने वाली है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसके जो अधिसूचना है, जो पेपर की कटिंग है, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर के आप इसकी बाकी की डिटेल देख लेना। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको बहुत ब्रीफ में जाननी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इसके फॉर्म आपको जैसे पता ही है कि अक्टूबर में आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी योग्यता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास रखी गई है। इसमें परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है कि आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस स्ट्रीम से होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पर आप अगर योग्यता रखते हैं 12वीं पास की, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। अगर बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो मेरे भाई यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम आपका 200 प्रश्न का होगा। जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जनरल एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, उसके 50-50 क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे जाएंगे, जो कि 200 क्वेश्चन के होंगे और उनके अंक भी आपके यहां पर 200 ही होंगे। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो मेरे भाई अगर आपने 4 प्रश्न यहां पर गलत कर दिए, तो आपके जितने भी अंक आए हैं उनमें से ये लोग 1 अंक काट लेंगे, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 की रहने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद क्या प्रोसेस है, तो मेरे भाई रिटन एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद ये आपको बुलाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल का मतलब आपकी दौड़ भाग करवाएंगे, उठक बैठक करवाएंगे, जो कुछ भी इन्होंने प्रोसीजर रखा है उसमें आपको दौड़ के रूप में 1600 मीटर दौड़ना है, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 6 मिनट का,
और यहाँ पर हाई जंप भी ये आप पे करवाएंगे, अच्छी खासी हाई जंप करवाएंगे, जिसके लिए आपको तीन प्रयास यानी कि तीन चांस दिए जाएंगे। अगर पहले प्रयास में आप असफल होते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे चांस में असफल होते हैं कोई बात नहीं, यदि आप तीसरे चांस में असफल हो गए तो मेरे भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा। हाई जंप आपको करनी है 3 फुट 9 इंच यानी कि 4.25 फुट, जिसके लिए आपको तीन प्रयास करने हैं। अगर आप पहले में ही पास हो गए तो बल्ले बल्ले है, और यहाँ पर आपकी अगली जो कूद होगी वो होगी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होगी आपकी 13 फुट यानी कि 13 फिट आपको जंप लगानी है। उससे पहले अगर आप लैंड कर गए तो समझ लिए कि आपका प्लेन क्रैश हो चुका है, अगर उससे आगे लैंड कर गए तो समझ लेना कि आप रनवे पे सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। इसके लिए भी आपको तीन चांस दिए जाएंगे। अगर पहली लैंडिंग आपकी ख़राब होती है तो परेशान मत होना, क्योंकि टेक्निकल टीम वहां पर देख लेगी। दूसरी लैंडिंग भी आपकी ख़राब होती है तो उसको भी वो माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर तीसरी लैंडिंग आपकी ख़राब हो गई तो समझ लेना कि आपकी मशीनरी में कोई दिक्कत है, उसको आपको सुधार के ही इसको आगे करना है। अगर हाइट की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर आपकी जो ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी ही चाहिए। बाकी बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। यहाँ पर मेरे भाई पोस्ट रहने वाली है आपकी एएसपी की, एक वार्डन की, एक मार्टन की, एक ड्राइवर की, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन रहने वाली है अकाउंट ऑफिसर की। अकाउंट ऑफिसर, ऑफिसर नाम सुन के जुनून आ जाता है एकदम। तो अकाउंट ऑफिसर यानी कि आप अकाउंट से रिलेटेड विभाग को यहाँ पर देखने वाले हो। रिटर्न एग्जाम भी इसका लगभग मैं बता रहा हूँ अक्टूबर में इसकी लास्ट में नोटिफिकेशन आपको देखने का मिलेगा। नवंबर में ये फॉर्म फिलिंग करवा लेंगे, और दिसंबर या जनवरी, यहाँ पर मैं लिख दूँ दिसंबर या जनवरी, तो जनवरी के, दिसंबर और जनवरी के आसपास आपको यहाँ पर इसका रिटर्न एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। फिजिकल रिटर्न एग्ज़ाम दिसंबर में होने के बाद एक महीने में रिजल्ट जारी कर देंगे, उसके बाद फरवरी या मार्च में आपको ये फिजिकल के लिए बुला लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी मेरे भाई, जो आपकी लिखित परीक्षा है वो होगी मेरे भाई CBT यानी कंप्यूटर बेस टेस्ट। आपका जो भी परीक्षा होगी उसमें OMR सीट नहीं होगी, आपको कंप्यूटर पर जाकर के मास से अपना ऑप्शन चूज करना होगा, जिसको हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस टेस्ट। इसका PST होगा उसके बाद, जो फिजिकल मैंने बताया दौड़ और आपकी जो भी जंप वगैरह है वो। इसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो अभी आपको ऊपर बताया ही था। फिर उसके बाद जैसे ही आप इन परीक्षाओं को पास कर लोगे उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी 12वीं की मार्कशीट, अगर किसी आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और भी यहां पर जैसे EWS वाले हैं तो उनका EWS का सर्टिफिकेट, जो कि आपका लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि EWS यहां पर 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है, तो यहां पर उससे ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए अगर आपको EWS का यहां पर फ़ायदा उठाना है। तो आशा करता हूं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे और तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, तो आराम से मजे से अपनी तैयारी करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।